हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। देख रहे होगे, ट्रैवल कर रहा हूं, जा रहा हूं कहीं। तो कहां जा रहा हूं? जा रहा हूं बहुत ही हिस्टोरिक प्लेस है, बहुत ही बढ़िया जगह है, नानक मत्ता। आई गेस आपने नाम नहीं सुना होगा, अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना तो गूगल पे आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पर एक बहुत ही हिस्टोरिक गुरुद्वारा है जिसकी डिटेल मैं बिल्कुल वहाँ पहुँच कर दूँगा। जो वहाँ ऑफिशियल राइटिंग है उसको पढ़ के बताऊँगा, मैंने ज़्यादा कुछ मिस इन्फॉर्म हूँ आप लोगों को। तो अभी मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ, अभी मैं पहुँच चुका हूँ सितारगंज। ये प्लेस है मेरे घर से 55 किलोमीटर मैं आ चुका हूँ अब तक, और अराउंड 20 किलोमीटर यहाँ से बच रहा है। और नानक मत्ता वहाँ से क्यों नहीं किया, एक्चुअली किया था, हर जगह मैं पूरा बोलता हुआ आया हूँ। अभी मैं रुका था बीच में, मेरे यहाँ से पूरा जो पड़ता है 75 पड़ता है मेरे घर से एक साइड का। तो मैं सब कुछ करता हुआ आ रहा था, बोलता हुआ आ रहा था, लेकिन यहाँ आके देखा तो माइक की जो वायर थी वो ही निकली हुई थी। अब क्या किया जाए, ये सारे जो पचड़े हैं ये आते हैं, बिल्कुल आते हैं यूट्यूबर्स की लाइफ में। तो भाई उसको कंपनसेट कैसे किया जाएगा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कि नए सिरे से जब जागो तभी सवेरा, नए सिरे से यहीं से शुरुआत कर देते हैं। जो अब तक आ चुका हूँ 55 आ चुका हूँ, अब 20 किलोमीटर अराउंड बच रहा है, तो वहाँ पहुँच के आपको बताता हूँ। बाकी बाइक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है यार, रास्ते में बहुत कुछ बोला था मैंने, अब सब कुछ मैं पता है, अब सब कुछ समराइज करके बोलना पड़ेगा, पहले हर चीज़ डिटेल में बोली थी। तो बाइक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, 75 80 तक चला रहा हूँ मैं। ये देखो इसका कोई मतलब ही नहीं है, 80 तक चला रहा हूँ मैं। और पीछे, हाँ ये तो बताया नहीं मैं, पीछे मैडम बैठी हैं, वो ही हमारी पीछे मैडम, और दोनों हम लोग जा रहे हैं। मैंने सोचा भाई अब तो बाइक है, कंफर्टेबल है, जब यही सोच के लिए हमने अपनी एवेंजर की रियर जो हमारा पिलियन है उसको भी कंफर्ट रहे, तो भाई क्यों ना लेकर जाएं। बाकी ये देखो हाईवे बहुत बढ़िया चल रहा है, बीच बीच में ख़राब जगह आई हैं, पैच आए हैं कुछ। ये पूरा एक बाईपास बना, वो देखो वो पुल दिख रहा है उधर, उधर ब्रिज, वो पहले वो चलता था और बहुत ही सिंगल जैसा ही था, वो बहुत जाम रहता था। तो ये पूरा जो रोड है ये पूरा नया ही बना है अब, और अब बढ़िया है, अब ज़्यादा देर भी नहीं लगती हमारे यहाँ से आने में, 1.5 घंटे का रास्ता है बस। ये आ गया अपना गेट गुरुद्वारे का, ये देखिए बना हुआ बहुत बड़ा सा। तो ये लेफ्ट हैंड पे पड़ेगा अगर साइड से आते हैं, यहाँ से अपना वो सामने दिख रहा, देखो गुरुद्वारा वो सामने दिख रहा अपना गुरुद्वारा, इसमें मज़ा बड़ा आता है रंबल स्टिक पे। वो रहा सामने, यहाँ अभी दिवाली आएगी, दिवाली पे बहुत बड़ा मेला लगता है, ईयरली जो मेला होता है वो, ये पूरा यहाँ से वहाँ ये पूरे पार्किंग में कर देते हैं, ये सब खेत वगैरह सब क्लियर होते हैं, फसल नहीं होती, और पूरा का पूरा पार्किंग बनी हुई होती है, गाड़ियाँ वहाँ पीछे से जाम लगना शुरू हो जाता है, पूरा यहाँ से आगे पूरे स्टॉल ही स्टॉल लगे हुए होंगे, यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, बहुत हद से ज़्यादा भीड़। गाड़ी की पता नहीं बाहर क्यों खड़ी कर रखी है यार, पार्किंग तो अंदर है गाड़ी की, वो भी फ्री है, फिर भी ये आ गई है पार्किंग, ये आ गया गुरुद्वारा हमारा, वाहेगुरु वाहेगुरु। अभी देखिए फ्री पार्किंग है, फिर भी बाहर खड़ी कर रखी गाड़ी। तो पार्किंग से निकल के कुछ ऐसा गेट लगता है गुरुद्वारा साहिब का, और पीछे हमारा गुरुद्वारा आपको दिख ही रहा है। तो यहाँ से सीधा हम एंट्री कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें जो जूते और हमारे पास सामान हो, हेलमेट वगैरह जो भी है, तो उसे रखने के लिए हमारे लेफ़्ट हैंड पे वो बनाए हुए जोड़ा घर जो होता ही है सब गुरुद्वारों में, आपको पता ही है। तो यहाँ पर पहले चल के अपने जूते वगैरह उतार देते हैं, और साथ में मैडम हमारी, ये देखो हेलमेट वगैरह सब ले रखा है उन्होंने। तो अभी जोड़ा घर में जूते वगैरह जमा करवा के हाथ फ्री हो गए। तो अभी भाई गर्मियों में ये बहुत तप जाता है, गर्म तो अब भी हो रहा है बहुत, फर्श हाथ धो ले रहे हैं जरा ना। क्योंकि तो जूतों को हाथ लगाता तो हाथ धोने हो जाते हैं ज़रूरी, बाकी सिर ढकना बहुत ज़रूरी है। देखो
जैसा हर गुरुद्वारे में सब जगह ही होता है, नियम है गुरुद्वारे के। बाकी मुंह ढकने का मैंने ये बना ही रखा, इसे ऊपर करा और अपना मास्क बन जाता है पूरा बढ़िया। यहाँ से एंट्री है कुछ इस तरह से, पैर भिगो के हम जाएंगे अंदर। आपको बिल्कुल लाइफ लाइक व्यू दिख रहा होगा, मैं कोई एडिट या कट नहीं कर रहा हूँ इसमें, बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है आपको, बिल्कुल यहीं का मैं चाह रहा हूँ कि आपको माहौल मिले। वाहेगुरु। अब अंदर कैमरा नहीं ले जा सकते तो कैमरे को मैं यहीं छोड़ दे रहा हूँ। अब यहाँ अंदर से हम दर्शन करके आ गए हैं, वहाँ पर मना कर दिया था क्योंकि देखिए ऑब्वियसली अब कह रहे हैं चोरी छुपे करके कोई फ़ायदा नहीं है उसका, फिर तो दर्शन वगैरह करके हम आ गए अंदर से। जितना अलाउड है उन्होंने खुद बोला कि बाहर कर लो, जितनी भी रिकॉर्डिंग करनी है वो सब कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर नहीं। कैसा लगा? बढ़िया। हाँ, इस पेड़ की भी तो कहानी है। तो अब जो मेन यहाँ का इतिहास है वो क्या है, वो आप एक बार पॉज करके भी देख लेना, बाकी मैं पूरा पढ़ के आपको समराइज कर दूँगा। इस पेड़ का जो हम कह रहे हैं कि काफ़ी बड़ा है, ये देखिए, इसको पॉज कर लेना आप। और यहाँ माइक ने काम करना हमारा बंद कर दिया था तो इसी वजह से वॉइस ओवर कर रहा हूँ, आपको बैकग्राउंड की आवाज़ें नहीं आएंगी, लेकिन ऊपर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं पूरी स्टोरी बता रहा हूँ जो जो उस पर लिखा हुआ था बोर्ड पे, और था क्या कि गुरु नानक देव जी यहाँ पर, मतलब पहले सिद्धों का होता था यहाँ पर, जो योगी और सिद्ध होते थे उनका पूरा इलाका होता था ये। और इसका नाम, जो जगह का नाम भी, पहले वो गोरख को मानते थे, गोरखनाथ को, तो जगह का नाम भी गोरखमत्ता होता था, तो उनका राज होता था। लेकिन बहुत यानी ठगी वगैरह करते थे वो, तो गुरु नानक देव जी को पता लगा यहाँ पर आके, उन्होंने लोगों को पाठ पढ़ाया यहाँ पर, इससे वो थोड़े बुरा मान गए जो सिद्ध थे, वो उन्हें यहाँ से भगाने लगे। तो यहाँ पर पहले ये जो पेड़ है ये भी सूखा हुआ होता था, तो सूखा हुआ जब था ये पेड़, तो जब गुरु नानक देव जी के पैर पड़े यहाँ पर तो पेड़ भी हरा भरा हो गया, इसे देख के वो और ज़्यादा चिढ़ गए, तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वो इसे उड़ाने लगे यहाँ से पेड़ को। तो गुरु नानक देव जी ने 6 से 7 फीट ऊपर ही अपना पैर रख के इसको रोक दिया पेड़ को, तभी ये पेड़ ऐसा है, पीपल साहिब इसको बोलते हैं। और बाकी और जो इतिहास है अंदर इसके, जो गुरुद्वारे के अंदर एक बना हुआ है भोरा साहिब, वहाँ का ये है कि वो यहाँ पर जगह को हत्याना चाह रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने एक बच्चे को बिठा दिया छुपा के, गड्ढा खोद के, कि भाई जब हम पूछें तो बता देना कि हम बाहर से पूछेंगे कि किसकी ज़मीन है ये, तो बोल देना कि सिद्धों की। तो उन्होंने, सिद्धों ने ट्राई करा, 2 बार बोला कि किसकी ज़मीन है, बच्चे की आवाज़ आई सिद्धों की, दूसरी बार पूछा किसकी ज़मीन है, बच्चे की आवाज़ आई सिद्धों की। लेकिन उसके बाद जब गुरु नानक देव जी ने कहा चलो मैं पूछता हूँ, गुरु नानक देव जी ने पूछा तो बच्चे की आवाज़ नहीं आई, ज़मीन खुद से बोल गई, नानक मत्ता नानक मत्ता नानक मत्ता, 3 बार ये आवाज़ आई। तो इस तरह से इस जगह का नाम ही नानक मत्ता पड़ गया, और ये इसकी कहानी है। बाकी जो है यहाँ का पूरा आपको ओवरव्यू जो है वो मैं दिखा रहा हूँ, पूरी बिल्डिंग वगैरह, मतलब बिल्डिंग क्या कहूँ, कोई बुरा ना मान जाए, गुरुद्वारा जो है वो आपको दर्शन हो ही रहे हैं। कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत चल रहा है कि ओवरहॉलिंग जो मेंटेनेंस होती है, अब आ रहा है समय इसका, जो ईयरली हमारा प्रोग्राम होता है उसका जो मेला लगता है। अब ये सरोवर है यहाँ पर, सरोवर की जो ख़ास चीज़ें हैं वो आपको दिखेंगी, वो क्या है, ये जो मछलियाँ इसमें बहुत अट्रैक्ट करती हैं जितने भी लोग आते हैं उनको, पानी की सफाई देखो, वो ऑब्वियसली वैसे तो सफाई रहती है लेकिन लॉकडाउन था उस वजह से भी बहुत ज़्यादा सफाई दिख रही है आपको। मछलियाँ स्पेशली ला के छोड़ी जाती हैं यहाँ पर, पैर डालना भी अलाउड नहीं है यहाँ, ना किसी तरह का कुछ खाने को डाल सकते हैं, इसीलिए इतनी साफ़ सफाई है। और आप देखिए क्या खूबसूरती, अलग ही दिखती है मछलियों की, जो लोग भी आते हैं यहाँ पर, मन करता है लोगों का कि भाई खाने को डाल दें लेकिन नहीं डाल सकते, क्योंकि जो नियम है नियम का फॉलो करना ही है। जो भी उनका खाना वगैरह है वो
गुरुद्वारा कमेटी के हिसाब से ही, अपने हिसाब से वो करते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। और बाकी सरोवर आप देखिए, पूरा लेफ्ट से यानी चारों तरफ से घिरा हुआ है, ये जो सामने आपको दिख रही है एरिया पूरा भर जाता है जब भी हमारा प्रोग्राम होता है ईयरली वाला। अभी आएगी संगत पूरे में रुकती है, जितना भी आपको ये दिख रहा है सामने पूरा एरिया, ये गैलरी टाइप की, इसमें पूरे में संगत रुकती है। और वो आपको जो पीछे दिख रहा है वो एक और हॉल टाइप का बना हुआ है, मल्टी स्टोरी है, वहाँ पर भी रुकती है संगत। तो इस तरह का पूरा जो व्यू है वो आपको दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया लगता है यहाँ पर आके, एक अलग ही शांति सी फील होती है। तो जो मैंने बताया था अभी केसर मिला के पानी की छींटे मारी, तो वही एक अलौकिक पानी माना जाता है, जल माना जाता है, तो वो यहीं से इस जगह से मिलेगा हमें। ये देखिए जगह बनी हुई है, और यहाँ से ले जाते हैं पीते हैं पानी। अब ले लेते हैं प्रसाद, और प्रसाद छकते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बैठते हैं और फिर चलेंगे वापस। प्रसाद मिलेगा हमारा इधर से, प्रसाद मिलेगा यहाँ से। तो यहाँ भी तो अच्छा, यहाँ पर है, यहाँ यहाँ से यहीं है, यहीं से। अब प्रसाद लेके, प्रसाद खा के छक के जो भी कहें आप, मैंने खाया, मैंने सोचा लाऊं मैडम को भी एक बार दिखा दें प्रसाद खाते हुए। तो अब यहाँ दर्शन वगैरह पूरे करके, प्रसाद वगैरह ग्रहण करके, अब ये था हमारा आखिरी समय, मतलब बाहर निकलने का टाइम। और यहाँ से फिर आगे हम अपने जो जूते वगैरह जमा करवाए थे वो लेंगे, और इसके बाद का जो प्रोग्राम है अपना वो है बावली साहिब जाने का, ये है आखिरी दर्शन। और वहाँ से दोबारा से जोड़ा घर से अपने जूते वगैरह कलेक्ट करते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं बाइक लेकर। तो इस तरह से अपने हो गए हैं अब दर्शन पूरे, और एक और बार नाम लेके वाहेगुरु जी द खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। और यहाँ से हम लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा वैसे, क्योंकि अब जानते ही हो कोरोना की वजह से धीरे धीरे चीज़ें खुली हैं, पहले तो ज़्यादा खुला भी नहीं था, अभी कुछ टाइम पहले ही खुला है, तो धीरे धीरे लोग आने शुरू होंगे। अब वो सामने है वहाँ पर पार्किंग, गाड़ी वहाँ से उठाएंगे। उससे पहले ये दुकानें वगैरह दिखा देता हूँ कि क्या क्या सिस्टम है, कुछ खा पी भी लेते हैं हम, घर से जब से आए हैं कुछ नहीं खाया। इस तरह का पूरा व्यू आता है अभी, वैसे खाली खाली में बढ़िया सा भी लग रहा है थोड़ा, क्योंकि एक हद तक ही भीड़ अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा भीड़ भी अच्छी नहीं लगती। ये पूरी दुकानें खुली हुई हैं, ये तो अभी स्टार्टिंग ही हुई है, बहुत भरा रहता है यहाँ पर। आपको कृपान हुई और जितने मेटल के इस तरह के चीज़ें होती हैं वो आपको बहुत दिखेंगी, ये भी यहाँ पर दिखाता हूँ सारी दुकानों पर जाके। तो यहाँ से वो वहाँ से दुकानें हैं ऑलमोस्ट सेम, तो बाकी यहाँ से आपको टूर दे देता हूँ कैसी कैसी लगती हैं, क्या क्या आइटम की दुकानें हैं, आप सामान देख लो। इस तरह का सामान ही मिलता है यहाँ पर, हैं सारे बच्चों के खेल के वही जो ऑलमोस्ट तो इस तरह की जैसे इस टाइप की दुकानें हैं यहाँ पर सारी की सारी, क्योंकि ये आइटम जनरली नहीं मिलती कहीं भी, हमारी डांग हुई, लाठी हुई, तो कुछ भी इस तरह की आइटम है और जगह नहीं मिलती। तो सारी जो दुकानें हैं ये सब एक जैसे सी आइडेंटिकल ही हैं सब। तो अब अपने दर्शन वगैरह पूरे हो गए, अब यही गुरुद्वारे के साथ से जो रोड जा रही है इसी पर ही हम आगे चलेंगे। अब जाएंगे बावली साहिब के लिए, अब यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, होगा ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलोमीटर 1.25 किलोमीटर। ये सामने दिख रहा है देखो, डैम की दीवार है ये पूरी। अब ऐसे बिल्कुल देखने में वही लग रहा है जैसे हम गुलरबोज वाले डैम पे गए थे, बिल्कुल सेम वही व्यू है जो आपको दिखाया भी था एक व्लॉग में। तो ये सामने दिख रहा है, यहाँ पर ही अपन गाड़ी लगा देते हैं, और उसके बाद जो एंट्री है वो बहुत बढ़िया, देखो सामने कितना प्यारा सा लगता है,
यहीं पर ये छुटपुट स्टॉल लगे हुए हैं कुछ खाने पीने के लिए, लेकिन मेन हमारा काम है बावली साहिब के दर्शन करना। और व्यू इतना बढ़िया आता है, ये देखो एक अल्टीमेट चीज़ लगती है, बाउंड्री पे खड़े होके तो अंदर का व्यू सब लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा फील होता है जैसे हम बिल्कुल पानी के ऊपर ही हैं, और फील क्या है ही पानी के ऊपर। तो देखो बिल्कुल सामने ऐसा लग रहा है जैसे कि समंदर में है, जो आसमान है वो बिल्कुल टच हो रहा है उसको, पानी को, खुला आसमान है इस समय, कोई बादल वगैरह कुछ नहीं है, बहुत ही अल्टीमेट व्यू आ रहा है। और यही खासियत है इस जगह की, यहाँ पर कितनी भी गर्मी हो इस जगह खड़े हो जाओगे तो हवा बहुत ठंडी ठंडी लगती है, हवा पानी में देख ही रहो इतनी तेज़ी से चलती रहती है, इस समय तो वैसे भी काफ़ी कम थी लेकिन फिर भी काफ़ी ठंडक फील हो रही थी। और सामने हमारा बिल्कुल बावली साहिब जो है, एक अलग ही इसकी स्टोरी है, ये समझिए जो यहाँ के नानक मत्ता के एक तरह से असिस्टेंट कह सकते हैं वो थे यहाँ पर। तो जैसे मैंने आपको बताया सिद्धों ने काफ़ी चालें वगैरह चली थी ये जगह को अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, रखने के लिए, तो उन्होंने एक बार कहा कि गुरु नानक देव जी से कि हमें प्यास लग रही है पानी दो, और उस समय यहाँ पानी नहीं होता है, डैम वगैरह सब बाद में बनाया, यहाँ पानी बिल्कुल नहीं था। तो गुरु नानक देव जी ने कहा जो असिस्टेंट थे उनसे कि जाके गंगा को लेकर आ जाओ यहाँ पर, तो जिससे प्यास बुझ जाए, और बोला कि पीछे मुड़ के मत देखना। और वो चले गए और पीछे मुड़ के नहीं देखा, लकीर बनाते हुए आए कि गंगा को साथ लेता हूँ, लेकिन इस जगह पर आके उन्होंने पीछे मुड़ के देख लिया कि अब तो बस पहुँच ही गया हूँ, देख लूँ जरा आ रही है नहीं आ रही, और गंगा यहीं की यहीं रुक गई। तो ये जो स्पॉट है ये वही स्पॉट बन गया। उसके बाद सिद्धों से बोला कि अपनी शक्तियों से गंगा को आगे ले जाओ, लेकिन वो नहीं ले जा पाए, तो जिस वजह से वो शक्ति को मान गए गुरु जी की और नतमस्तक हो गए उनके आगे और अपनी हार मान ली और इस जगह को नानक मत्ता नाम से ही आगे रहने दिया। तो ये कहानी थी बावली साहिब की, और अब सब दर्शन वगैरह करके अब हमारी ट्रिप हो रही है वापसी के लिए, घर के लिए। तो अब जो भी रास्ते में होगा, जिस भी तरह की चीज़ें दिखेंगी वो भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि रूट पहले मैं ज़्यादा दिखा नहीं पाया था। तो चलते हैं अब आगे। 80 पर भी बाइक बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, कोई मतलब इसी चीज़ के लिए ली थी मैंने, कोई भी ज़्यादा सीसी की बाइक ऊपर यानी 125 150 से ऊपर जाने का मकसद ये रहता है कि जो मैं क्रूजिंग स्पीड हो वो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि देखिए अब हाईवेज हैं, लॉन्ग राइड अगर हम करेंगे तो हमें क्रूजिंग स्पीड तो तेज़ रखनी पड़ेगी, और छोटे इंजन में ये पॉसिबल नहीं है, ओवर स्ट्रेस इंजन हो जाएगा गाड़ी हो जाएगी ख़राब बेकार। यहाँ पर हम 80-85 की स्पीड को बहुत इजीली क्रूज़ कर सकते हैं इस पर बिना इंजन को स्ट्रेस करे हुए। आप देख रहे हो 80 परी मैं आते हुए भी क्रूज़ कर रहा था, और 80 परी अब क्रूज़ कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही, बहुत मक्खन की तरह चल रही है गाड़ी और पूरा कंट्रोल में। सबसे बड़ी चीज़ यह है ऐसा नहीं लग रहा कि मैं एक क्विक स्प्रिंट कर रहा हूँ कि हाँ जरा सा तेज़ मैक्सिमम ले गया और फिर एकदम स्लो कर ली, आराम से खींचती चली जाती है गाड़ी। सामने आ गया धूल का गुबार और इतने प्यारे हाईवे को अपन कह रहे हैं अलविदा, ज़्यादा देर के लिए नहीं लेकिन फिर भी अब आपको दिखाते हैं। शो ऑफ का टाइम तो बहुत हो गया कि जी हमारे उत्तराखंड में हमने शो ऑफ कर लिया, हाईवे देखो रूट देखो, अब देखो जो अंदर की चीज़ होती है जो दिखाई नहीं आती। भाई साहब ये इतने दिन हो चुके, दिन क्या दिन तो कम चीज़ हैं, सालों की बात कर रहे हैं हम। ये इधर कंस्ट्रक्शन ऐसा का ऐसी पड़ा है, ये इधर जो है रोड ये ऐसी की ऐसी पड़ी है, और अभी तो आप देखो आगे इसको मैं कट नहीं करूँगा, ये तो बहुत दिखाना ज़रूरी है। चिकनी चिकनी रोड तो सब दिखा देते हैं, उसमें है क्या, हर जगह होती हैं वो तो, लेकिन गवर्नमेंट की बेशर्मी आप देखो, ये ऐसे कैसे ये बंदे पूरे धूल में सफ़ेद हो जाते हैं, आप लोगों की कंडीशन देखना इसमें। और ये पॉइंट वो है जो भी हमारे लखनऊ की साइड से आते हैं, जो भी नैनीताल वगैरह आ रहे हैं लोग घूमने या आते हैं लखनऊ से, लखनऊ की साइड से आते हैं बरेली, और बरेली से फिर जब नैनीताल के लिए कटते हैं तो फिर जगह आती है पुल भट्टा। पुल भट्टा है बॉर्डर जहाँ से उत्तराखंड स्टार्ट हो जाता है, तो उन्हें पता होगा या जिन्हें नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, ये है पुल भट्टा। यहाँ पर आगे आएगा एक टी पॉइंट, और टी पॉइंट पे अपने अगर मैं लेफ्ट चला जाऊँगा तो आ जाएगा अपना बरेली, बरेली के बाद लखनऊ, और अगर मैं लेफ्ट नहीं गया मैं राइट गया तो राइट स्ट्रेट आ जाएगा अपना हल्द्वानी काठगोदाम नैनीताल। तो अपन अब सामने टी पॉइंट दिख रहा है हमें, वो देखो जहाँ धूल धूल दिख रही है बिल्कुल, तो गवर्नमेंट की बेशर्मी इतनी ज़्यादा है कि ये मैं सालों से देख रहा हूँ यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है,
जाम लगते हैं गाड़ियों के, मतलब जो लोडेड गाड़ियां हैं बड़ी कमर्शियल, उनके एक्सल टूटते हैं, किसी का लीफ स्प्रिंग टूटता है, शॉकर टूटता है, सस्पेंशन, मतलब नुकसान होता है और वो गाड़ी हो जाती है खड़ी वहीं की वहीं लोडेड, फिर लगता है यहाँ पर जाम। ये देखिए ये है अपना टी पॉइंट, यहाँ लेफ्ट हैंड पे मैं चला जाऊँगा तो आएगा लखनऊ, और अपन जा रहे हैं राइट हैंड पे थाना पुलभट्टा, सामने आपको दिख रहा कंडीशन, आप देखो ज़रा ये देखो, ये भी नहीं कि किसी चीज़ से किसी सरकारी उससे दूर है, थाना भी बनाया गया है कि भाई साहब जिसकी कमानी टूटे या जाम लगे तो वो खुलवा दें, लेकिन जाम लग किस वजह से रहा है उसका कुछ लेना देना नहीं है। ये देखो आप हाल, ये ऐसा नहीं है टेम्परेरी है भाई लोगों, ये यहाँ रहते ही ऐसा है। हाय हाय बहुत बढ़िया, फेशियल करवा लो आके यहाँ पर, और ज़्यादा बड़ा टुकड़ा भी नहीं है जो इतना लोड पड़े, मैंने जहाँ से शुरू करा अभी उसके बाद बस आगे अभी ये करीब होगा 50 मीटर, बस इतना टुकड़ा नहीं बन पाता, आप इमेजिन करके देखो कि इतना टुकड़ा नहीं बन पा रहा। ये देखो हाल देखो यहाँ का, ये तो एक बार फ्लैट करवा चुके हैं इसको, लेवल करवा चुके हैं, नहीं तो यहाँ पर तो ऐसे कुआं खाई हैं जैसे थे, नीचे घुसता फिर ऊपर कितनी गाड़ियाँ लोडेड पलट जाती हैं यहाँ पर। ये देखो ये अंडर कंस्ट्रक्शन जो मैं बता रहा था, ये ऐसा का ऐसे ही पड़ा है यहाँ काम, और बस ये यहाँ तक का है पीस, बस आगे फिर से प्लेन रोड, मतलब इतने बड़े टुकड़े में क्या दिक्कत हो गई अगर नहीं हो रहा गवर्नमेंट से भाई, एक जैसे वो टेंडर निकलते हैं पब्लिक के लिए डाल दो कि भैया 100-100 रुपये डाल दो, इतने लोग तो कर देंगे पैसे, जितना पैसा लगना है इसमें लोग खुद इकट्ठा करके कर देंगे, लेकिन हाल इतने बुरे हैं क्या कह सकते हैं। चलो फिलहाल अपन आ गए हैं पुलभट्टा पार करके किच्छा बाईपास पे, इस साइड हमारे राइट हैंड पे पड़ता है किच्छा जो टाउन है वो, और अपन किच्छा के बाहर बाहर, क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा जाम लगने लगा था अंदर, तो ये किच्छा बाईपास बना हुआ है, यही सीधी रोड जो जा रही है अपनी नैनीताल की तरफ, पहले हल्द्वानी आएगा, काठगोदाम आएगा, फिर नैनीताल, और अपन किच्छा से हो जाएंगे रुद्रपुर के लिए लेफ्ट हैंड पे। जैसा आपको पता है मैं आज से पहले कार की आदत थी, मोटो ब्लॉगिंग का ज़्यादा तो हुआ नहीं है, आपके सामने ही है सब कुछ, तो जब भी घर से निकलता हूँ तो हिसाब किताब जो लगता है तो उसमें मैं आदत वही पुरानी है, टोल का भी हिसाब लगा बैठा था उसमें, फिर निकलते हुए और जब यहाँ पहुँचा तब एकदम ध्यान आया, मैंने कहा अरे भाई हम तो बाइक पर हैं, और अब क्या नहीं तो यहाँ हमारे लगते 120 रुपीज़, मतलब 2 and 4 आना जाना 120, लेकिन अब अपन हैं बाइक पर, और बाइक पर अपना क्या है सिस्टम, लाइक अ बॉस सी है अपना सिस्टम बाइक पर, यहाँ से दबाई गाड़ी और बस निकल गए आराम से। नहीं तो आदत मुझे वही थी, मैं वही हिसाब किताब लगा रहा था, लेकिन मैं चलो कुछ तो फ़ायदा है बाइक बाइक का, लेकिन टोल भी मज़े तब ले लेता है जब हम पहुँचते हैं बाइकों को लेकर बॉस बॉस करते हुए अपने यमुना एक्सप्रेसवे पे, तो वहाँ सारा बाइक का बॉस बॉस निकल जाता है, और वहाँ सीधा 295 रुपीज़ का, भाई तो 600 रुपये का कार का तो 300 रुपये का बाइक का सीधा टिपन्ना लग जाता है, और बस वहाँ टोल भी कहता है कि भैया बाप बाप होता है, तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ जब जाएंगे तो दे देंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ का तो फ्री हो ही गया। अब आने वाला है अपना आगे रुद्रपुर, फिलहाल ये है लालपुर, लालपुर छोटी सी जगह, ज़्यादा कुछ नहीं है, इंडस्ट्री वगैरह ही है छुटपुट यहाँ पर, जो महिंद्रा ट्रैक्टर आप देख रहे हो खड़े हुए ये क्या है, महिंद्रा ट्रैक्टर का प्लांट है, सामने ही आपको गेट 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 दिखाऊं तो वो रहा सामने गेट, और स्टार्टिंग में जब यहाँ पर रुद्रपुर आपने पंतनगर इंडस्ट्रियल एरिया सुना होगा, ये उससे भी पहले का है, वो बाद में अलाउट हुआ था, ये 2000 के अराउंड का, ये देखो ये रहा पूरा यही ट्रैक्टर बन रहे हैं सब, तो ये इसीलिए लालपुर डेवलप भी हुआ, जो भी तरक्की करी है इसी वजह से करी है। तो भाई अब आ गए हैं हम गदरपुर में, और गदरपुर में आते ही किसने वेलकम कराया हमारा, जाम ने, और जाम ही छोड़ के गया था सुबह, तो सुबह वाली क्लिप सारी हट गई, सुबह जाम ही छोड़ के गए थे सर, अब तक जाम ही जाम हो रहा, कोई बाईपास नहीं है एक्चुअली यहाँ का, जो भी सारा ट्रैफिक है बड़ा ट्रैफिक है भी सब यहीं से ही निकलता है, तो अपने बचते बचाते भाई इधर से उधर से बाइक का पूरा फ़ायदा लेते हुए निकालेंगे।
ओहो चलो सर तुम भी आ जाओ। अरे भाई तगड़ा जाम है तो अपने इधर ले लेते हैं, अपने ले लेते हैं इधर। अपने चलेंगे अब गलियों से। आ गया फिर सलाई का बॉस। ये अपने ये वाली गली जो है ये अंदर ही अंदर से सीधा अपने घर के पास से निकलेगी। ओहो अरे शाबाश। अरे भाई जोड़ा मत बनाओ, लड़कियों वाले काम मत करो। ये जो दो इकट्ठे इकट्ठे होकर चलते हैं ना, बिना बस वही लड़कियों वाले काम ही कहा जाता है। लड़कियां चलती है ना ऐसे, वो दूर नहीं रह सकती ना बिना बातों के एक दूसरे से। चलो 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 आ गए आ गए आ गए, ये आ गई अब अपने घर की रोड। ये रही अपने घर की रोड, बस आई गए गदरपुर। यहाँ टिक्की वाला, उससे टिक्की करा के और चलते हैं घर को। तो एंड कर देता हूँ यहीं पर, यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पूरे दिन की मस्ती अच्छी लगी हो और दरबार साहिब हमारा नानक मत्ता साहिब तो वो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी समय चैनल। जय हिंद।